हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त पायल आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेटीएम शेयर के बारे में, रिलायंस इंफ्रा शेयर के बारे में एंड IRCTC शेयर के बारे में। और वीडियो के एंड में हम एनालिस्ट द्वारा रिकमेंड किया गया स्टॉक डिस्कस करेंगे, जिसके टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पर उससे पहले ऐसी अमेजिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एज पर द कंपनी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑन BSE, पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड में अब इंडिया के म्यूचुअल फंड की 6.15% हिस्सेदारी है। दिसंबर क्वार्टर के एंड में उनके पास 4.99% हिस्सेदारी थी, जो उस समय कंपनी के हिस्ट्री में सबसे अधिक थी। दोस्तों, जनवरी से मार्च के पीरियड के दौरान मामूली सुधार से पहले पेटीएम के शेयर्स में 50% की गिरावट के साथ 318 के लाइफ टाइम लो लेवल तक गिरने के बावजूद ये वृद्धि हुई है। फरवरी मार्च क्वार्टर के एंड में स्टॉक में 37% का लॉस हुआ है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जहां पेटीएम में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी बढ़ी, वही हिस्सेदारी रखने वाले फंड्स की नंबर्स में गिरावट आई। करंटली में पेटीएम में 18 फंड्स की हिस्सेदारी है, जबकि पिछले साल दिसंबर के एंड में 23 फंड्स की हिस्सेदारी थी। पेटीएम के दोनों करंट शेयर होल्डर निप्पॉन म्यूचुअल फंड और मिराई म्यूचुअल फंड ने मार्च क्वार्टर के दौरान अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी। मार्च क्वार्टर के दौरान फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने भी पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एज पर द बी कैटेगराइजेशन, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी, जिसकी दिसंबर में कंपनी में 17.69% हिस्सेदारी थी, अब 20.19% हिस्सेदारी है। सो दोस्तों, पेटीएम के शेयर में मार्च क्वार्टर में 37% की गिरावट आई है, पर फिर भी म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी पेटीएम शेयर में बढ़ा दी है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है पेटीएम शेयर के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक खुद से फाइंड आउट करना सीखना है, तो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स जरूर ज्वाइन करो। उसमें हमने मल्टीबैगर स्टॉक फाइंड आउट करने की कुछ सीक्रेट स्क्रीनर शेयर की है। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सिर्फ ₹499 में ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर्स में भारी गिरावट आई। स्टॉक 20% गिरकर ₹227 के लो लेवल पर पहुंच गया। दोस्तों, स्टॉक में 20% का लोअर सर्किट हमें देखने को मिला है। ये गिरावट ये रिपोर्ट आने के बाद आई है कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को पलट दिया है, जिसने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को रिलायंस इंफ्रा की सहायक कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो को लगभग 8,000 करोड़ का आर्बिट्रेशन अवार्ड देने के लिए मजबूर किया था। दोस्तों, टेक्निकल एनालिस्ट काउंटर पर काफी हद तक मंदी में थे। 210 से 200 रुपीस के जोन में सपोर्ट देखा जा सकता है। टिप्स रेट के आर रामचंद्र ने कहा है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 280 रुपीस पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ डेली चार्ट पर मंदी की स्थिति में दिख रहा है। 225 रुपीस के सपोर्ट से नीचे डेली क्लोज होने से नियर टर्म में 193 रुपीस का डाउन टारगेट मिल सकता है। एनालिस्ट और स्टॉक ब्रोकर की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर एस पटेल ने कहा है कि सपोर्ट 214 रुपीस पर होगा और रेजिस्टेंस 241 रुपीस पर होगा। 241 रुपीस के लेवल से ऊपर का एक डिसीजिव क्लोज 250 रुपीस तक की तेजी ला सकता है। एक महीने के लिए एक्सपेक्टेड ट्रेडिंग रेंज 250 से 210 रुपीस के बीच। सो दोस्तों, रिलायंस इंफ्रा के शेयर में आज में 20% का लोअर सर्किट देखने को मिला है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज है रिलायंस इंफ्रा शेयर के बारे में। बात करते हैं थर्ड न्यूज की। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC के शेयर में एक साल में 77% तक की तेजी आई है। इसमें से रेलवे स्टॉक ने पिछले 3 मंथ में 45% का रिटर्न दिया है। एनालिस्ट ने कहा कि IRCTC का स्टॉक ब्रीफ कंसोलिडेशन पीरियड में है और ये शेयर शॉर्ट टर्म में 1,100 रुपीस के लेवल को पार कर सकता है। प्रभुदास लीलाधर टेक्निकल रिसर्च वैशाली पारेख ने कहा है कि IRCTC पहले ही ब्रीफ कंसोलिडेशन पीरियड और 970 रुपीस के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के साथ ट्रेंड में है। 1,050 रुपीस के रेजिस्टेंस से ऊपर का एक डिसिसिव ब्रेक 1,100 से 1,120 रुपीस पर टारगेट सेट करे, ऐसा वैशाली पारेख ने कहा है। दोस्तों, पिछले 2 हफ्ते में स्टॉक में 10% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें से शॉर्ट टर्म में राहत मिली है। टिप्स ट्रेड के अभिजीत ने कहा है कि IRCTC के शेयर की प्राइस में मंदी दिख रही है, लेकिन डेली चार्ट पर 1047 रुपीस के नेक रेजिस्टेंस के साथ ओवरबॉट भी है। इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुकिंग जारी रखनी चाहिए, क्योंकि 992 रुपीस के सपोर्ट से नीचे डेली क्लोज होने से नियर टर्म में 875 रुपीस का टारगेट मिल सकता है। वही एंजल वन के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च ओशु कृष्णन ने कहा है कि IRCTC हायर हाई हायर लो के चक्र में मंडरा रहा है और करंटली में अपने सभी EMA से ऊपर है, जो तेजी को इंडिकेट कर रहा है। काउंटर के पास सपोर्ट लेवल 950 से 940 रुपीस पर देखा जा सकता है। इन द टर्म्स ऑफ टेक्निकल, IRCTC का RSI 65 पर है, जो दर्शाता है ये न तो अधिक खरीदा गया है और न ही अधिक बेचा गया है। IRCTC का स्टॉक 5 डेज, 10 डेज, 100 डेज, 150 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो दोस्तों, IRCTC के शेयर पिछले 6 महीने में 45% बढ़े हैं और एनालिस्ट ने IRCTC के लिए टारगेट 1100 से 1150 रुपीस तक सेट किया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है IRCTC शेयर के बारे में। दोस्तों, क्या आप IRCTC शेयर होल्ड करते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये थी आज की स्टॉक न्यूज अपडेट। अब बात करते हैं आज के हमारे
हमारे एनालिस्ट द्वारा रिकमेंड किए गए स्टॉक के बारे में। सुमित बगड़िया ने अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक रिकमेंड किया है बाय एट अराउंड 6,505 पर बताया है। टारगेट प्राइस 6,930 विद स्टॉप लॉस 6,280। सो आई होप दोस्तों आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी अमेजिंग डेली न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड स्टे क्यूरियस।